वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए, शुक्रिया। और वीडियो शुरू कर दे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। तो चलते हैं अपने दूसरे व्लॉग की तरफ। उससे पहले मैं बताता चलूं कि देखना नहीं भूलना। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज क्योंकि मैं अपने रूम की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि मैं रूम को फुल डेकोरेट करना चाहता हूं, जैसे कि माय ड्रीम रूम होगा। तो उससे पहले बताते चलूँ कि मैं आपसे क्या क्या शेयर करूंगा। वही रहे हमारे साथ और चलते हैं हम अपने रूम को दिखाने। अब रूम का व्यू देख सकते हैं कि कैसा है। भाई हेलमेट भी इधर पड़ा है, बैग भी इधर है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कितना बकवास आदमी है, इतने गंदे रूम का टूर नहीं। तो भाई अभी से मैंने रेवोल्यूशन करवानी है, इसको मैंने तैयार करवाना है, तो कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो भाई जोर से देखना और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना। तो आज मैं करवाऊँगा थोड़ा सा अपने रूम का गौर से देखना। ये क्या है राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अच्छा आप भी सोच रहे होंगे यार कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इतना अच्छा क्या है। अब भाई आईफोन नहीं है, कमाल सारा इसका इस लाइट का कमाल है भाई, सारा सारा कमाल इस लाइट। कोई बात नहीं, नेवर। तो जी मैं बताता हूँ कि करवाना क्या क्या है। तो इसमें पहले सबसे मेरे पास आएगी ये वॉल, इस पर मैं करवाऊँगा डिज़ाइन। जैसे कि मैं अच्छा फर्स्टली मेरे पास आई थी ये वॉल, इस पर मैं करवाऊँगा हार्डली वॉलपेपर, जो कि मैं देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पे आ रही है। मैंने डिसाइड की है ये चार डिज़ाइन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा इस वॉल पे अच्छा लगेगा। जैसा कि व्यू आपके सामने है, और इसके बाद आ जाएंगी ये ऊपर सारी लाइट्स, जो कि मैं करना चाहता हूँ उससे म्यूजिक के साथ लाइटिंग को। और इस दीवार में भी कुछ करेंगे, और इस पे यार पहले ये कबाड़ा तो उठाओ। आप क्या रहेंगे ये इतना गंदा रूम है, प्यारी समझ गई। लेकिन यार अभी सब ठीक करवाना है, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाऊंगा कि भाई इससे तैयार करते हैं रूम। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा तो ये मेरा हो गया सारा, और उसके बाद ये आ जाता है मेरा टेरेस। तो मैं टेरेस की तरफ जाता हूँ। तो ये मैंने सोचा कि टेरेस से पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या कबाड़ पड़ा है। अच्छा तो जी ये है रनिंग मशीन, जो बाबा ने बहुत शौक से ली थी कि मैं स्मार्ट हूँ का। तो रनिंग मशीन ली थी उन्होंने इस वजह से, और साथ में उन्होंने ली थी ये, भाई जान जिम का बहुत शौक था तो इसलिए लिया। खैर बाबा गए हैं इस्लामाबाद, जैसे ही वापस आते हैं तो फिर देखेंगे कि भाई वो इस पर करते क्या हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे उठा कर अभी कहीं और ताकि मेरा रूम जो है वो खाली हो जाए। चलते हैं अब अपने टेरेस की तरफ, और ये है मेरा टेरेस। और इसमें ये है सामने में हाउस के व्यूज। अभी तो रात है तो इस वजह से जो है रिजल्ट ही आ रहा है, रिजल्ट बहुत यार ज़्यादा ही दे रहा नहीं कुछ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जी टेरेस पे था कुछ ज़्यादा ही दे रहा, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा मैजिक हो जाए, जैसा कि ये कैसा लगा मेरा मैजिक। अच्छा ये मेरा टेरेस का व्यू है, इसमें मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स और प्लांट हैं। उसके बाद इस तरफ साथ किसी का घर है, और सामने मेरे जो है PHA ब्रो। और इसके बाद चलते हैं अपनी गली की तरफ, सब देख सकते हैं कि इस तरफ मेरे एक है मस्जिद बहुत प्यारी सी,
बहुत प्यारी सी मस्जिद है और उसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ अपनी। ओ भाई फोकस कर। हाँ ये मेरी गली का व्यू है, देख सकते हैं। तो भाई ये हमने सामने लगाए हैं बैरियर क्योंकि हम तंग आ चुके थे। मेरे गाड़ियों वाले भाई बहुत तंग करते हैं, आके खड़ी कर जाते जैसे उनके बाप की जगह है भाई। और जी ये मेरी गली का व्यू। तो जी मैं आ गया हूँ थोड़ा सा आगे क्योंकि मैंने आपको मिलवाना था बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत से। तो जी दिखाते चलूँ कि ये हमारी है पिंकी, ये हमारे डॉन है, ये हमारी स्ट्रीट के तीन डॉन हैं। एक का नाम है पिंकी, चंकी और सोनू। जैसे कि वो तीनों बहुत ही दूर हैं, ये हमारे तीन डॉन हैं। और उसके बाद जैसे कि सामने डी एच ए ब्रावो, और ये हमारा क्यूट सा प्लांट है जिसे मैंने अपने हाथों से लगाया था। कैसे है भाई, ठीक है ना? चलो मिलते हैं कल सुबह, अभी ख्याल रखना अपना। ओके बाय। तो अच्छा जी बताएं कैसा लगा इस बकवास से आदमी से मिलकर। अब भाई बकवास नहीं है, बस वैसे अपने आप को कहते हैं। अच्छा थी मैं तब चलूँ कि पहले भी मैंने सैलून का काम काफ़ी हद तक बाबा ने करवाया था, मैंने नहीं था करवाया। तो अब मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा काम अब हम भी करवा लें। तो बाबा ने जो काम करवाया था मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी डेकोरेशन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। आओ तो चलते हैं। तो जी ये देखें, ये हमारा सबसे फर्स्ट आया था है वो डोर इस जो कमरे का। उसके बाद आ जाती है वॉल्स, वॉल्स पे भी उनका काम हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके बाद चारों तरफ वो वॉल्स वुड की है। उसके बाद हमारी आ जाती है ये हमारा फर्श है, वो भी वुड का ही है लेकिन अब बहुत ख़राब हो चुका है, तो सोच रहा हूँ कि इसे चेंज ही करवा लिया जाए। पर्दे, ओ मुझे लगा टॉवल है। हाँ ये हमारे पर्दे हैं जो बहुत ही गंदे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा भाई इन्हें भी चेंज करवा लो। अच्छा मेरा डिसाइड तो कर लिया है कि चेंज करवाना है। और अभी आपको हो सकता है कि ना मेरी आवाज़ और व्यू जो है वो ठीक ना आए, तो फिलहाल इसका भी हल निकाल लिया है। अच्छा व्यूअर्स, तो आपको मैंने की जहमत कि आप मेरी वीडियो खोल के देखी, तो भाई बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि हो सकता है कि मेरी आवाज़ और मेरी व्यू जो है वो क्लियर ना आए, तो इसका भी मैंने हल निकाल लिया है कि मैं जाऊँगा माइक परचेज़ करने और ट्राईपॉड अच्छा सा, क्योंकि हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए भाई। तो इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि अब उसे परचेज़ करूँगा और देन अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊँगा आपके लिए ऐसे। अब अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मैं दिखाऊँगा, अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। रहें आप अब्दुल व्लॉग्स भाई, अब्दुल 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 और अब्दुल। अच्छा अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाला व्लॉग आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और दूसरी बात ये, अगर भी लोग नहीं पसंद आया भाई, लाइक फिर भी करना है, सब्सक्राइब फिर भी करना है, शेयर फिर भी करना है, अगर ना किया तो घर आ जाऊंगा। अच्छा तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तो तब तक रखें ख्याल अपना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, इट इज़ माई सेकेंड व्लॉग। सो अगर अच्छा लगा तो भाई कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं निकलूं अपनी गली, आप निकलें अपनी गली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो बाय बाय।